घर पर बनाइए बहुत ही आसानी से रेस्टोरेंट स्टाइल स्पाइसी और टेस्टी मटर पनीर। सब्सक्राइब कीजिए श्रीतमस किचन को और बेल बटन में जरूर क्लिक कीजिए नए नए रेसिपीज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं हूँ श्रीतमा और आप सभी को मेरी किचन में स्वागत है। आज हम बनाएंगे पनीर का एक ऐसा डिश जो सर्दी के सीजन में हर घर में बनाए जाते हैं और ये मेरे भी बहुत ही फेवरेट डिश है। इसका नाम है मटर पनीर। इसको हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल में, मसालेदार और टेस्टी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए, मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मटर पनीर बनाने के लिए एक पैन में डालेंगे 2 चम्मच तेल। आप कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही तेल गर्म हो जाए, यहाँ पे हम डालेंगे 1 तेज़पत्ता, 1 सूखे लाल मिर्च और थोड़े से खड़े गरम मसाला और इसको हम कुछ सेकंड्स के लिए भून लेंगे। ये खड़े मसालों को यहाँ पे डालना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि ये तेल में जाते ही बहुत ही बढ़िया फ्लेवर छोड़ते हैं। इससे हमारा मटर पनीर में उमदा टेस्ट आएगा। इसके बाद डालेंगे 2 राफली कटी हुई प्याज, क्योंकि हमें इसके बाद में पेस्ट बनाना है तो इसलिए इसको बारीक काटने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्याज को हमें बिल्कुल थोड़े से 1 मिनट फ्राई कर लेना है, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़े से हमें इसको नरम कर लेना है। 1 मिनट के बाद आप देख सकते हैं प्याज को हमने थोड़े से नरम कर लिए हैं। तो अब हम यहाँ पे डालेंगे 1 छोटा चम्मच घिसा हुआ लहसुन। हमने 5 से 6 लहसुन की कलियां को घिस लिए हैं। इसके साथ जाएगा 1 छोटा चम्मच घिसा हुआ अदरक। आप चाहे तो अदरक और लहसुन को छोटे छोटे टुकड़ों में काट सकते हैं। 2 मिनट के बाद ये देखिए प्याज अदरक लहसुन को हमने थोड़े से भून लिए हैं। तो अब हम यहाँ पे डालेंगे 3 कटी हुई देसी टमाटर और इसको हमें प्याज अदरक लहसुन के साथ थोड़े से भूनना है तो इसलिए यहाँ पे हम बिल्कुल थोड़े से नमक डाल देते हैं ताकि ये मसाला बहुत ही जल्दी भून जाए। साथ में यहाँ पे डालना है 1 कुटी हुई हरी मिर्च। हरी मिर्च आप जितना खाना पसंद करते हैं उसके हिसाब से डालें। तो अब हम इसको ढक कर मीडियम फ्लेम में थोड़ी देर भूनते हैं। 2-3 मिनट के बाद हम ढक्कन को खोलते हैं और ये देखिए प्याज अदरक लहसुन के साथ टमाटर हमारा थोड़े से भून गया है, सॉफ्ट भी हो गया है। तो अब हम बनाएंगे इन मसालों का पेस्ट तो इसलिए गैस को बंद कर देती हूँ और फटाफट इसको एक मिक्सर जार में ट्रांसफर कर देती हूँ। और ये देखिए हमने एकदम फाइन पेस्ट तैयार कर लिए है। तो अब हम उसी पैन में ही 1 चम्मच तेल डाल के इसको गरम कर लेते हैं और जैसे ही तेल गरम हो जाए यहाँ पे डालना है 1/2 छोटा चम्मच जीरा। जीरा को चटकने देते हैं। कुछ सेकंड्स के बाद अब हम यहाँ पे डालेंगे ये हमारा फाइन मसालों का पेस्ट और साथ साथ इसको चलाना है। तो इसको हमें दोस्तों अच्छे से भूनना है, क्योंकि जितना अच्छे तरीके से आप ये मसालों को भूनेंगे उतना ही बढ़िया, उतना ही लाजवाब टेस्ट आप मटर पनीर में पाएंगे। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं 1/3 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर और इसको अच्छे से मिलाएंगे। अब हम यहाँ पे डालेंगे 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये हमारा ग्रेवी को बहुत ही बढ़िया कलर देगा। तो इसको अच्छे से मिलाने के बाद अब हम इसको ढक कर भूनते हैं। 2-3 मिनट के बाद हम ढक्कन को खोलते हैं। अभी आप ग्रेवी में कलर के चेंजेस देख सकते हैं। पहले ग्रेवी के कलर क्या था और अभी ग्रेवी हो गया है बहुत ही मसालेदार और गाढ़ा। स्वाद के अनुसार नमक डाल के ग्रेवी के साथ अच्छे से मिला देते हैं। अभी आप देख सकते हैं ये मसाला बहुत ही अच्छे से भूनने की वजह से तेल अच्छे से छोड़ रहे हैं और ये देखिए कितना गाढ़ा मसाला हमारा बन गया है। तो अब हम यहाँ पे डालेंगे थोड़े से पानी और पानी को मसालों के साथ अच्छे से मिला देते हैं।
अब हम यहाँ पे डालेंगे एक बाउल फ्रेश हरी मटर के दाने और इसको मसालों के साथ अच्छे से मिलाने के बाद अब हम इसको भूनेंगे। तो ढक के हम इसको भूनते हैं। 2-3 मिनट के बाद हम ढक्कन को खोलते हैं और ये देखिए मटर हमारा मसालों के साथ अच्छे से भूनकर पक गया है, सॉफ्ट भी हो गया है। तो अब हम यहाँ पे डालेंगे पनीर के क्यूब्स। हमने 300 ग्राम फ्रेश पनीर ले लिए हैं। अब हम मटर और मसालों के साथ अच्छे से मिलाएंगे। इसको हमें और थोड़े से भूनना है क्योंकि मसालों के साथ मटर और पनीर को जितना अच्छे तरीके से आप भूनेंगे उतना ही लाजवाब टेस्ट आप मटर पनीर में पाएंगे। तो यहाँ पे थोड़े से पानी और ऐड कर देते हैं ताकि ग्रेवी सूखे ना, और मीडियम फ्लेम में हम इसको ढक के थोड़ी देर पकाते हैं। 2-3 मिनट के बाद हम ढक्कन को खोलते हैं और ये देखिए ग्रेवी कितना बढ़िया तेल छोड़ रहे हैं। मटर और पनीर दोनों ही अच्छी तरह से पक गया है। तो अब हम यहाँ पे डालेंगे बिल्कुल थोड़े से कटे हुए फ्रेश हरा धनिया और आधा छोटा चम्मच घर की बनाई हुई गरम मसाला पाउडर और इसको ग्रेवी के साथ अच्छे से मिला देते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों सारे के सारे तेल बहुत ही अच्छे से ऊज आउट हो गया है और ग्रेवी से सेपरेट हो गया है। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं एक स्पेशल चीज, वो है आधा छोटा चम्मच घी। थोड़े से घी डालने से ये मटर पनीर और भी स्वादिष्ट और भी स्पाइसी बन जाएगा। घी ऑप्शनल है। और ये देखिए ये हमारा आज का टेस्टी और स्पाइसी मटर पनीर बढ़िया सा ग्रेवी के साथ बन के खाने के लिए तैयार है। तो फ्रेंड्स आप देख ही सकते हैं बाहर हलवाई में रेस्टोरेंट में आप जैसे मटर पनीर खाना पसंद करते हैं बिल्कुल वैसे ही हमने कोशिश किए हैं। आप इसको किसके साथ खाना पसंद करेंगे, गरम गरम चावल, रोटी, पराठा या फिर नान? नान कुलचा पराठा की रेसिपी है मेरे चैनल पे, आप चाहे तो इसको देख सकते हैं। तो आप भी इसको घर में झटपट बना लीजिए और मुझे बताइए ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आते हैं मेरी वीडियो के नीचे लाइक के बटन में क्लिक कीजिए, शेयर करें ये रेसिपी को आपके दोस्तों के साथ और मेरी वीडियो के नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब लिखा हुआ एक बटन मिलेगा उसको जरूर दबाना। तो मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ और तब तक के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए। थैंक यू।